मुझे जवाब दो, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? व्हाट्सएप ही सवाल जवाब का टीम नए थे, पहले इधर आ जाओ, तसल्ली से बैठकर बात करते हैं ना, इधर आओ। नहीं फालतू फालतू, हाँ या ना? व्हाट्सएप सब तारा घर पे इंतजार कर रहे हैं। हाँ या ना? व्हाट्सएप हमारी बात समझने की कोशिश करो। हाँ या ना? व्हाट्सएप पे गिर जाओगे। फालतू हाँ या ना? व्हाट्सएप हाँ या ना? मुझे मेरा जवाब मिल गया, शायद तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती फालतू। मैं ही बेवकूफ था जो इतनी उम्मीदें लगाए बैठा था, लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, अब आज के बाद तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगे। गुड बाय फालतू, गुड बाय फालतू। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज एक मौका दे दो मारे को। मैंने तो ये सब कुछ तारी खुशी के लिए किया था, मारे को क्या पता था मैं तारे को ही खो दूंगी। प्लीज मारे लिए वापस आ जाओ मार साहब, मैं तारे को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, जितना किसी ने किसी से ना किया होगा। मैं तारे से बहुत प्यार करती हूँ मार साहब, बहुत प्यार। मैं भी तारे से बहुत प्यार करूँ फालतू।
क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? क्योंकि आई लव यू। आई लव यू। आई लव। हमारे को चलना चाहिए मार्ट साहब। नहीं फालतू, तुम कहीं नहीं जाओगी, पता है मुझे। राजन की हेल्प से नया घर ढूंढ लिया है ना तुमने, अब तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मतलब? मतलब ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, और फालतू पूरी दुनिया हमारा सच जानती है, तो तुम क्यों घबरा रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, दैट्स फाइनल। ना मार्ट साहब, अभी मुमकिन ना है। भले ही थारे घर वालों को हमारी सच्चाई पता है, पर उनको मारे को अपनाने में समय लगेगा ना। और तनीषा जी के बारे में सोचो, उन्होंने मारे को थारे साथ देख लिया, तो कितना बुरा लगेगा उन पर के बीतेगी ये सोचो। फालतू तनीषा ने खुद कहा है ना कि वो मेरे साथ इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती, वो एक्सेप्ट कर चुकी है फालतू कि मैं और तनीषा कभी एक नहीं हो सकते। तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही हो? पता है तुम्हें, उसने मुझसे सॉरी भी कहा मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए, और उसे बहुत बुरा लगा जो उसने तुम्हारे साथ गलत किया। फालतू तनीषा भी चाहती है कि हम दोनों एक हो जाएं, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और रही बात तलाक की, तो वो भी कुछ दिनों में हो जाएगा, डोंट वरी। फालतू अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला, एंड इट्स हाई टाइम कि पूरी दुनिया भी जान जाए कि मैं तुम्हें लेके कितना सीरियस हूँ। मार्ट साहब, मैं तारी बात समझ रही हूँ, पर तब भी तुम्हारी बात समझने की कोशिश करो। तनीषा जी अब भी तारी पत्नी है, तारा हमारा ब्याह ना हुआ है, हमारा मन कभी ना मानेगा बिना किसी रिश्ते के तारे साथ तारे घर में रहने के। और मैंने तो अभी अपने बापू साहब को भी कुछ ना बताया, उन्हें बताऊंगी तो पता नहीं वो क्या कहेंगे, इसलिए मैं अभी तारे साथ तारे घर ना चल सकती सारी। किसने कहा तुमसे कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है? ये जो रिश्ता है ना हम दोनों का, ये मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल रिश्ता है। और रही बात तुम्हारे बापू साहब की, तो हम दोनों उनसे जाके बात करेंगे, एंड आई एम श्योर मान जाएंगे वो। और रही बात मेरे बाबा की, आई नो वो भी थोड़े नाराज हैं, बट हैं तो मेरे बाबा ही ना, मुझे कुछ देख के उनका भी मन मान जाएगा। और आज तो माँ भी आने वाली हैं, पता है ना तुम्हें, उनके लिए मेरी खुशी से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है, वो सब हैंडल कर लेंगी, डोंट वरी। चलो, माँ का फोन है। हाँ माँ, आप घर आ गए? दैट्स ग्रेट, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। कब से फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहते तुम? देखो तुम जहां पे भी हो अभी के अभी घर वापस आ जाओ। बस माँ रास्ते में ही हूँ, आ गया, बहुत सारी बातें बतानी है आपको। I'll see you. एक बार ठंडे दिमाग से सोच सविता, अभी तू एक बीवी की तरह सोच रही है, एक बार अयान की माँ बन के सोच। कितने दिनों बाद आज खुश है तेरा बेटा, तू उसकी खुशियां ऐसे कैसे छीन सकती है? मैं मानती हूँ
कि अभी सब कुछ बहुत उलझा हुआ है और तनिषा और अयान भी इस शादी के रिश्ते में बंधे हुए हैं। वो तो अयान के बारे में सोच, कैसे काटे होंगे बेचारे ने इतने सारे दिन दो तरफा जिंदगी जीते हुए। अरे हमें तो उल्टा और खुश होना चाहिए कि उसने अपने लिए एक जिंदगी चुन ली है। हमेशा बेचारा अपने बाबा और अपने परिवार के लिए जीता आया है। तो कौन सा बड़ा काम किया उसने माँ? इस परिवार ने उसे अपनाया है, इन्होंने उसे अपना नाम दिया है। उसके बदले अगर उन्होंने कुछ मांगा तो उसमें गलत क्या है? अयान की पूरी जिंदगी इनकी देन है। अगर वो अयान की जान भी मांगे ना तो भी उसे देनी होगी। अपनी जिंदगी की सारी खुशियां इस परिवार पर नछावर करे ना तो भी कम है माँ। चलो मार्सा, हमारे को भी कुछ सही ना लग रहा। पहले इतना तमाशा हो गया, और लड़ाई नहीं करनी है प्लीज। अगर मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार से नहीं लड़ सकता तो दुनिया से खाक लड़ूंगा। ये जो हाथ थामा है ना तुम्हारा, अब चाहे पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़ जाए, ये हाथ नहीं छूटेगा। चलो माँ, मुझे तो इस बात की हैरानी है कि आप कैसे उसका साथ दे रही है। अरे यही तो सोचने वाली बात है सविता, मैं अयान की दादी होकर उसकी दिल की बात समझ सकती हूँ, क्या तू माँ होकर नहीं समझ सकती है? नहीं समझनी है मुझे, नहीं समझनी है। आपने देखा ना माँ, अयान के एक फैसले की वजह से उन्होंने याद दिला दिया कि अयान उनका बेटा नहीं है। और माँ प्लीज आप भी ये बात समझ लीजिए कि अयान इस घर का खून नहीं है। बस बस सविता, आज के बाद ये लफ्ज तेरे जुबान पर नहीं आने चाहिए। अरे जनार्दन को जो चाहे वो बोलता रहे, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अयान मेरा पोता है, मेरा सबसे बड़ा और सबसे लाडला पोता है, और मैं हर हाल में उसका साथ दूंगी। मॉम, दादी बिल्कुल सही कह रही है मॉम। फाइनली अयान खुश है तो हमें भी उसके साथ खुश होना चाहिए। तनु, आई एम रियली सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद यहाँ पे इतना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तू फिक्र मत करना, अब मैं वापस आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं अयान से बात करूंगी और वो मेरी बात मानेगा। यहाँ पे कोई डिवोर्स नहीं होगा। तुम इस घर की बहू हो और हमेशा रहोगी। आप क्या करेंगे मॉम, अयान के साथ जबरदस्ती? अयान मुझसे प्यार नहीं करता है मॉम। शायद आपके मजबूर करने पर वो मुझे डिवोर्स ना देने के लिए मान भी जाए। उसके बाद क्या, हम दोनों इस रिश्ते में घुट घुट कर जिएंगे। क्या आपसे देखा जाएगा ये, आपका बेटा और आपकी बहू कितने दुख में अपनी जिंदगी जी रहे हैं? मॉम देर से ही सही, लेकिन मुझे समझ में आ गया है रिश्ते कॉम्प्रोमाइज से नहीं चलते। सही कह रहे तू बेटा। देख सविता, तनिषा समझ गई है, अब तू भी मान जा। फालतू अच्छी लड़की है। मैं मानती हूँ कि उसकी जिंदगी हमारी जिंदगी से बहुत ही अलग रही है। उसके रीति रिवाज, तौर तरीके, हमारी परंपराएं वो कुछ नहीं समझती है, पर वो सीख जाएगी। उसकी नीयत सही है बेटा, और सबसे इम्पोर्टेंट अयान उसके साथ खुश है। हमारे लिए यही काफी होना चाहिए। क्या हो क्या गया आप लोगों को? अब फालतू को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं? माँ प्लीज, कम से कम आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। क्या इज्जत रहेगी सोसाइटी में जनार्दन मित्तल के नाम की? और हम लोगों को क्या कहेंगे, बहू का नाम क्या है, फालतू? सब लोग हंसेंगे हम पर कि तनु जैसी इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर हमने एक अनपढ़ लड़की को अपनी बहू बना लिया। उसकी एक भी बात मेल नहीं खाती हमसे माँ। उसका रहन सहन, पहनावा, भाषा, स्टैंडर्ड, क्लास, कुछ भी नहीं, कुछ भी मैच नहीं होता। किसी भी तरह से फालतू तनिषा की बराबरी नहीं कर सकती, कभी नहीं। मॉम फालतू जैसी है, अयान उसे वैसे ही पसंद करता है।
और अब मैंने फैसला कर लिया, कल लॉयर आएगा और मैं और अयान डिवोर्स पेपर पे साइन करेंगे। उसके बाद फालतू और अयान की शादी की डेट भी फिक्स हो जाएगी। एक बार उनकी शादी करवा दूं, उसके बाद मैं भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाऊंगी और उसके बाद हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। हेलो, चले। वहीं रुक जाओ। बाबा आप मेरी बात, ये लड़की इस घर में नहीं आ सकती। फिर कहां जाएगी बाबा? बाबा मैं फालतू से प्यार करता हूं, उसे ऐसे भटकने के लिए नहीं छोड़ सकता मैं। फालतू किसी को परेशान नहीं करेगी, गेस्ट हाउस में रह लेगी बाबा, बस जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। तुम्हारी शादी तन्नू से ऑलरेडी हो चुकी है, जिंदगी भर तुम्हें उसके साथ अपना रिश्ता निभाना है। तो रही बात इस लड़की की, तो इसका इंतजाम मैं कर चुका हूं। चरण सिंह बाबू सर, मत बुला मुझे बापू साहब। अंकल आप प्लीज मेरी बात सुनिए। हाँ जी, बस मैं अभी अपनी छोरी से बात कर रहा हूं। बापू सही, देखिए मत छू मुझे, मत लगा हाथ, घिन आ रही है मने। कितने अभिमान से कहता था कि तू मारा मान है, सम्मान है, मारा गुरूर है, पर आज तूने मारे चेहरे पर वो कालिक पोती है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी न रहा। ना बापू साहब, बापू साहब ये बता मने कि आज तक इसीलिए पगड़ी बजाती आई मारी कि किसी दिन सारे बाजार यूं उछाल सके, यही करने आई थी तू शहर? अंकल आप गलत समझ रहे हैं। आप हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, अभी मैं मारी छोरी से बात कर रहा। पूरे गांव में सर उठाकर घूमता था मैं, लोगों से ये कहता था कि मारी छोरी हीरा है, हीरा हमारा नाम रोशन करेगी, पर आज तूने मारा नाम मिट्टी में मिला दिया, मारा मान, मारा सम्मान सब भुला दिया तूने। एक बात बता, एक शादीशुदा इंसान के साथ प्यार करते तुझे शर्म ना आई? कोई बात ना, अभी भी कुछ ना बिगड़ा है। एक काम कर, थोड़ा सा जहर ला दे मुझे। अबूसा क्या बोल रहे होते? गला घोट दे मारा। अबूसा प्लीज रुक जा। इससे पहले कि ये बात इधरपुर पहुंचे, तू मने मार दे, मार दे अपने बापू साहब को, मार दे लाडो, मार दे मने, मैं कह रहा हूं मने मार दे, खत्म कर दे। फालतू, फालतू क्या हुआ, क्या सोच रही थी तुम? व्हाट्सएप बापू साहब इस रिश्ते के बारे में कभी ना मानेंगे, वो कभी ना समझेंगे, उन्हें यही लगेगा कि मैंने उन्हें धोखा दिया, के बोल कर आई थी, के कर रही हूं व्हाट्सएप, मारे से ना हो पाएगा, मैं ना कर पाऊंगी, मैं ना कर पाऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।